Hello. Namaste. And good morning to my friends and family. Welcome to the world of Explore Tales. गर्मियों का मौसम आ चुका है और ऐसे में घूमने के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। मित्रों, आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि एक हिल स्टेशन है और पुणे से 120 किलोमीटर और मुंबई से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसने हिस्ट्री में अपने फुटप्रिंट्स दर्ज किए हुए हैं और इस हिल स्टेशन का नाम है माथेरान। तो गाइस चलिए चलते हैं माथेरान। माथेरान आप ओन व्हीकल से जा सकते हैं या फिर ट्रेन, जो कि बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि नेरल से माथेरान टॉय ट्रेन चलती है जो कि काफी अफोर्डेबल भी है। पुणे से हमने एक्सप्रेस हाईवे पकड़ा और खंडाला में ट्रैफिक जाम में फंस गए। हमें मौका मिला एक्सप्रेस हाईवे से निकलने का और ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पर जाने का। ओल्ड हाईवे पर थोड़ा घाट चढ़ने पर हम व्यू पॉइंट पर रुके और वादियों के साथ साथ ट्रैफिक जाम कितना बड़ा है इसका भी हमें एहसास हुआ। हमें घर से निकलने में 7:30 बज गए और ट्रैफिक जाम ने और लेट कर दिया। अगर आप वन डे ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो माथेरान जाने के लिए जितना जल्दी घर से निकले उतना ज्यादा टाइम आपको वहां स्पेंड करने को मिलेगा। यहां 2-व्हीलर के 60, 4-व्हीलर के 100 और बड़ी गाड़ियों के 180 रुपीस पार्किंग चार्जेस है। पार्किंग के ये चार्जेस नॉमिनल है और पार्किंग बहुत बड़ी और बहुत अच्छी है। आपकी गाड़ी यहां कैमरे के निगरानी में रहेगी क्योंकि पार्किंग में जगह जगह कैमरे तैनात किए हुए है। ऐसे मैप आपको घूमते हुए कई जगह देखने को मिलेंगे। पार्किंग से निकलने पर आपको सबसे पहले प्रवासी कर यानी टूरिस्ट पास लेना होगा। एडल्ट का 50 रुपीज और बच्चों का 25 रुपीज चार्जेस है। पास शो करने पर आप आइकॉनिक मेश टनल से गुजरते हैं जो माथेरान की सॉर्ट ऑफ पहचान सी बन गई है। थोड़ा आगे आने पर यहाँ टॉयलेट दिखा जो कि अच्छी बात है। टॉयलेट साफ सुथरा और लेडीज जेंट्स दोनों के लिए है। उसे यूज करने के 5 रुपीज चार्जेस लेते हैं। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ बंदर बहुत है। आपके हाथ में खाने की चीज देखते ही ये बंदर उसे छीन कर पल भर में रफू चक्कर हो जाते है। घोड़े वाले और हाथ गाड़ी वाले आपको पार्किंग से ही फॉलो करते है। आप टॉय ट्रेन से माथेरान मार्केट जा सकते है जिसका चार्ज 50 रुपीज पर पर्सन है। घोड़े वाले 5 पॉइंट्स दिखाने के और माथेरान मार्केट छोड़ने के लगभग 1000 से 1200 रुपए प्रति घोड़ा चार्ज करते हैं। हम लगभग 11 बजे अमर लॉज स्टेशन पहुंचे और नेक्स्ट ट्रेन 12 बजे की थी। एक घंटे रुकने के बजाय हमने डिसाइड किया कि पहले पॉइंट कवर करते हैं और लौटते वक्त ट्रेन से आएंगे। थोड़ा दूर जाने पर आखिर 1000 रुपए में हमने घोड़ा कर ही लिया। हॉर्स राइड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा और कंफर्टेबल भी था। अभी हम जा रहे हैं हार्ट पॉइंट। हार्ट पॉइंट से वादियों का सुंदर नजारा। इस पॉइंट का नाम हार्ट पॉइंट क्यों पड़ा आप वीडियो पॉज करके बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। हार्ट पॉइंट से नीचे रास्ता बोरा पॉइंट पर जाता है जहां से आपको सामने वाली टेकड़ी पर मंदिर और गणेश जी की अखंड पत्थर की तराशी हुई मूर्ति देखने को मिलेगी। मंकी पॉइंट से सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का सुंदर नजारा मिलता है। यहाँ एक भी बंदर नहीं दिखा, फिर भी इस पॉइंट का नाम मंकी पॉइंट क्यों है? यह घर अदमजी पीरभॉय का है जो कि माथेरान ट्रेन के फाउंडर थे। नेरल माथेरान रेलवे का निर्माण 1901 से 1907 तक कुल उस समय के 16 लाख रुपए में हुआ जो कि बहुत थे। माथेरान रेलवे स्टेशन पर हमें घोड़े वाले ने छोड़ दिया।
यहाँ हमने थोड़ी शॉपिंग की क्योंकि यहाँ का मार्केट अच्छा और रीजनेबल भी लगा। यहाँ हम एक फुटवेयर की दुकान में गए जहाँ का फुटवेयर का कलेक्शन अच्छा था। इनका क्या रेंज है भैया ये चप्पल्स का? 350 का है, 450 का है, 650 का है। और तो गाइज यहाँ पर देखिए आप अलग अलग रेंज के आपको लेडीज के लिए मिलेंगे, शूज मिलेंगे, सैंडल्स मिलेंगे। तो काफी अच्छी रेंज है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो भैया ये प्रोडक्शन आपका खुद का है? 50% अपना है। अच्छा, तो अब देखिए इनका क्वालिटी भी हमने देखा है इनके शूज का, तो आप क्वालिटीज भी देखिए, काफी अच्छे क्वालिटी है और रिजनेबल भी है, राइट? यह शॉप रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे फर्स्ट राइट में है और इसका नाम मानसी कलेक्शन है। हमें फिर से घोड़े करने पड़े। चार घोड़ों का 2500 में तय हुआ जो कि हमें 12 पॉइंट्स दिखाने वाले थे और यहाँ का रेट अमर लॉज के घोड़ों से सस्ता है। इको पॉइंट, हनीमून पॉइंट, किंग एडवर्ड पॉइंट, लुएसिया पॉइंट, मलंग पॉइंट, सभी इतने सारे पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। अभी हम पहुंच गए हैं चार्लेट लेक के पास। सीधे पिसारनाथ मंदिर है और यहाँ से राइट में लॉर्ड्स पॉइंट जाने का रास्ता है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है, लॉर्ड्स पॉइंट से इरशाल फोर्ट, प्रबल फोर्ट, कलावती फोर्ट, शेर की गुफा इत्यादि टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो आरुष ने ये गेम खेला है और इसमें आरुष का कितना टोटल आया भैया? 18। तो एक पहले इसमें 2 बॉल है, 4 के अंदर 3 बॉल्स है और 2 के अंदर 2 बॉल्स है, तो टोटल आरुष का कितना हुआ? 18। और आरुष को क्या मिला है 18 में? किटकैट। ग्रेट। ये आरुष, आरुष टेक योर गिफ्ट, थैंक यू, चलो ग्रेट। ये अभी हम इधर से आए थे और हम जा रहे हैं इको पॉइंट की तरफ। पॉइंट जाते हुए थ्रो बॉल का गेम देखा तो खुद को खेलने से रोक नहीं पाया। एडवर्ड पॉइंट से भी शेर की गुफा देख सकते हैं। यह गुफा पहाड़ के दूसरी तरफ तक ओपन है और यहाँ लॉयन का स्टैचू भी रखा हुआ है, टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। यहाँ नॉर्थ में लैंडस्केप और लुइजा इन तिकोनीय पहाड़ के कारण आवाज इको होती है और इसलिए इस पॉइंट का नाम इको पॉइंट पड़ा है। इको पॉइंट से बाहर आने पर ही लेफ्ट में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम है। इस म्यूजियम में जाने के लिए आपको पर पर्सन 10 रुपीज का टिकट लेना पड़ेगा जो कि बहुत मिनिमल है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, जय शिवाजी। शिवाजी महाराज के पत्रों की कॉपी यहाँ लगाई हुई है उनके मराठी ट्रांसलेशन के साथ, ताकि हम समझ सके कि पत्रों में क्या लिखा है मोड़ी लिपि में।
इस म्यूजियम में उस समय के रोज यूज होने वाले वस्तुओं के साथ साथ अनेक प्रकार के औजार और अस्त्र शस्त्र भी है, जिनको देख के एक अलग ही अनुभूति होती है। यहाँ पर शिवाजी महाराज की जगदम्ब तलवार की कॉपी भी रखी हुई है। हाँ, लेकिन ओरिजिनल जगदम्ब तलवार लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में है। टिकट निकालने के लिए रेलवे स्टेशन पर गए, क्योंकि 5:20 की लास्ट ट्रेन होती है माथेरान टू अमर लॉज। आप वीडियो पॉज करके ट्रेन के टाइमिंग्स और टिकट डिटेल्स देख सकते हैं। हमें टिकट नहीं मिले क्योंकि सारे सोल्ड आउट हो गए थे, इसलिए हमने स्टेशन पर रुककर कुछ फोटोज क्लिक किए और निकल पड़े पटरियों के सहारे अमर लॉज की ओर, जो कि एक अच्छा अनुभव था। दूसरे हिल स्टेशन की तुलना में माथेरान थोड़ा ठंडा है और यहाँ धूप से तकलीफ भी नहीं होती। ऑटोमोबाइल फ्री होना एक बड़ा कारण है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए यह वीडियो शेयर कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और ट्रैवल डेस्टिनेशंस की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।